हजार की तो जरूर पक्की पड़नी पड़ती है, अगर ना पड़े तो फिर भाई बाप बहुत ज्यादा लड़ाई। मान के चलो एक दुकानदार हूँ मैं, अपनी दुकान में वही सौदा रखूंगा भाई, वही सामान रखूंगा जो सेल होगा जो मेरी। तो मुझे यकीन नहीं था इस बारे में कि यूट्यूब से ऐसे पैसे भी मिलते हैं। मुझे मैंने कहा मेरी शादी हो गई भाई यूट्यूब से। 2018 में मेरा डिवोर्स हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं हक्कू भाई के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेवात के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। आज इनसे ऐसी बात करेंगे जो आप पहली बार जानोगे इसके बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हक्कू भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। तो हक्कू भाई से पहला सवाल करते हैं। हक्कू भाई आपने जो शुरुआत की है ना, जैसे कि आप बताया कि मेवात में यूट्यूब के बारे में उस टाइम तो कुछ जानते नहीं था बिल्कुल भी, तो आपको कैसे मतलब YouTube के बारे में कैसे पता चला और आपकी मतलब लाइफ की शुरुआत की कहां से की आपने? मेरे हिसाब से मेवात में YouTube के बारे में तो उस टाइम लोग जानते होंगे, पर मैं खुद नहीं जानता था भाई। 2017 तक मैं नहीं जानता था। YouTube नाम की एप्लीकेशन है और उस पर कुछ वीडियो जैसा कुछ होता है। हालांकि मैंने यूट्यूब चला के देखा होगा, पर कभी दिमाग में नहीं ये नहीं आया कि ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसे कोई क्रिएटर भी बनाकर डाल सकता है। मैं सोचता था कि ये किसी ने ऐसे ही बाहर से बनाकर डालेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ऊंचे लेवल का काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर हम वीडियो, मेरी एक मोबाइल शॉप की दुकान थी, उस टाइम हम मेमोरी कार्ड वगैरह लोड करते थे, तो हम वीडियो बनाते थे पहले से, यूट्यूब पर आने से पहले से हम वीडियो बनाते थे और वो लोगों के मेमोरी कार्ड में अपलोड करते थे। तो फिर लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते तो हमें लगता हाँ भाई लोगों को मजा आ रहा है ना, तो हमें भी आगे करना चाहिए। ऐसे ऐसे में एक दोस्त ने सलाह दी कि भाई आप काम करो, ये सब वीडियो YouTube पे डालो। मैंने कहा भाई YouTube पे डालने से क्या होगा? उन्होंने कहा भाई उसके डालने से पैसे मिलेंगे। तो मुझे यकीन नहीं था इस बारे में कि YouTube से ऐसे पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहा यार भाई ठीक है, पैसों के बारे में तो मुझे यकीन नहीं, पर आप कहते हो तो मैं YouTube पे वीडियो डालूंगा, पर डालू कहां से? तब उसने बताया कि भाई हर फोन में एक YouTube नाम की एप्लीकेशन होती है और YouTube Google का ही है, तो हमारी Gmail ही वहां पर आईडी पासवर्ड का काम करती है, आप वहीं पे वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करता था और धीरे धीरे ऐसे नॉलेज होती चली गई। अच्छा हक्कू भाई, और दूसरी बात ये है हक्कू भाई, जैसे आप भाई सोशल इन्फ्लुएंसर हो बहुत बड़े मेवात में, आपको मतलब ये लगा दे फैमिली में, तो ये लगा लो कोई भी ऐसी औरत ऐसे बच्चे नहीं है जो आपको नहीं जानते। तो आप जैसे कि वो है नशा, तो आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो भाई, पूरी मेवात आप जान है यह चीज के बारे में, तो आप अपनी ऑडियंस के लिए इस चीज के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ भाई आपने ये बात सही बोली कि आजकल के माहौल में हमारी जो नई जनरेशन है वो नशे की मतलब बहुत ज्यादा बढ़त बना चुका है नशा उन लोगों के बीच में। तो मैं अपनी ऑडियंस को आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशा करने वाले को लगता है कि वो अकेला नशा कर रहा है। कई बार अगर हम किसी से कह देते हैं भाई ये सब क्यों करता है, अपने पैसे करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसका खुद का ही नुकसान है, अपना ही नुकसान है। एक नशा करने वाला पूरा परिवार को लेकर डूबता है, ना उसे अपनी फिक्र होती है ना उसे फैमिली की फिक्र होती है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे फ्यूचर चलेगा, कैसे बीवी बच्चे को गुजारा होगा, इन सब की कोई परवाह नहीं होती। ये मेरी आंखों देखा हाल है। तो मैं सभी आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि भाई इस चीज से बचो, कम कमाओ चाहे मत कमाओ, पर इस नशे से तो बचो। हक्कू भाई जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप भाई मेरे बात में आपको बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, और जो आपकी लाइफ है बहुत बिजी लाइफ है, तो इस बिजी लाइफ में आप नमाज के लिए टाइम निकाल लेते हो? हाँ भाई नमाज के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है, हजार की तो जरूर पक्की पढ़नी पड़ती है, अगर ना पढ़े तो फिर भाई बाप बहुत ज्यादा लड़ा है ना। बाकी मैं ये ना करूँ भाई, मैं बिल्कुल ही 5 टाइम की करेक्ट जमात से पढ़ लूँ, 1-8 टाइम में वो भी हो जावा, पर मेरी कोशिश यही रहे भाई मैं नमाज पे फोकस रख सकूँ। ये सब कुछ दुनिया में ही है, ऊंचो नाम कमाना, ज्यादा पैसा कमाना, ये सब एक ज्यादा कबर के खड्डे में जाएंगे, सब कुछ खत्म ही नहीं रह जाएगा, फिर हूँ चलेंगे अपना अमाल। और दोस्तों भाई का आपने जवाब सुना, बहुत ही अच्छा जवाब दिया भाई ने। तो वैसे तो आप इसके बहुत फैन हो, सब कुछ हो, तो अब देखो माशाल्लाह नमाज भी पढ़ता है, तो उम्मीद है कि आप नमाज भी चालू करेंगे इंशाल्लाह। तो अगला आगे पूछते हैं हम आपसे कि थोड़ा फैमिली के बारे में बता दीजिए, अगर फैमिली में कौन कौन है आपके? हैं फैमिली में मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, अम्मी अब्बू हैं, और मेरा अम्मी अब्बू और मेरी फैमिली पहले से दीनी लाइन की रही है ना, तो एक तरह से तो मैं डिफरेंट लाइन में चले गए फैमिली के हिसाब से। तो बाकी फैमिली में हम और 4 भाई हैं, मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, और जो बिचोला जो वीडियो में होता है वो छोटा ही छोटा है। अच्छा। और मैं एक्टिंग करता हूँ और सारी चीजें मैनेज करता हूँ, मुझसे जो छोटा है वो स्क्रिप्ट लिखता है और डायरेक्शन करता है, उससे जो छोटा है वो कैमरा चलाता है और एडिटिंग करता है,
और उससे जो छोटा यानी बिचौला है वो बस एक्टिंग करता है साथ में, और एक मेरा लड़का है वो भी एक्टिंग करता है साथ। हक्कू भाई, हम जैसे कि आपकी वीडियो देखा ना, तो आपकी वीडियो ज्यादातर ऐसी वीडियो रहा वहाँ कि सास बहू की, ब्याह की, शादी की। तो अब जैसे कि मान लें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल इशू पे भी वीडियो बनानी चाहिए आप, जैसे कि नशे के बारे में, दहेज के बारे में और भी काफी सारी चीज हैं, तो उनके बारे में हम आपकी वीडियो ने बहुत कम दिखा, मतलब ये लगा देखा ही ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअल में पहली तो इसकी हम जो सास बहू टाइप का घरेलू टाइप जो वीडियो बनाते हैं ना, उसकी वजह हमारी ऑडियंस, हमारी ज्यादातर ऑडियंस है लेडीज है ना, और जिन या फिर है बच्चे, तो उन्हें ऐसे टॉपिक ही घरेलू टाइप के जिन्हें अक्सर अपनी जिंदगी में देखते रहते हैं ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज ये रही कि आपने कहा सोशल इश्यूज को लेकर वीडियो बनाओ है ना, तो हमने सोशल इश्यूज को लेकर बनाई, जैसे दहेज के खिलाफ भी हमने वीडियो बनाई है, सॉन्ग भी बनाया है, और क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए मैंने सॉन्ग बनाया है और वीडियो भी बनाई है, और क्या कहते हैं कि और भी कई सारे जो नॉर्मल टॉपिक है, हमने ज्यादा डीपली वाले टॉपिक तो नहीं लिए क्योंकि हमारी ऑडियंस ही इतनी नॉर्मल है कि वो उन चीजों से कोई ज्यादा लगाव महसूस नहीं करेगी, हम वही चीजें बनाते हैं जो उनकी जिंदगी से होकर गुजरती हैं। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे माशाल्लाह आपके पास 6-7 YouTube चैनल है, हाँ, तो एक चैनल ऐसा भी थोड़ा वो कर सकते हैं, ऐसा कोशिश कर सकते हैं आप? मैंने कई बार सोचा चलो थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाते हैं। एक हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है जो साइबर क्राइम है ना, आपने साइबर ठगी होती है हमारे यहाँ पे, तो मैंने चलो इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी है ना भाई, मैंने बहुत मेहनत की उस वीडियो में, लगभग 12-13 मिनट की वीडियो है, उसमें हमने स्टार्टिंग से दिखाया कि कैसे एक आदमी का साथ साइबर ठगी होती है, वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके चक्कर में वो अपने बीवी के गहने बेच देता है, ट्रैक्टर बेच देता है, खेत गिरवी धर देता है, फिर भी जो साइबर ठग है उसको लगातार परेशान करते रहते हैं, तो वो क्या लास्ट में बेचारा सुसाइड कर लेता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी बीवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो भी मर जाती है, तो उसके 2 बच्चा नाथ रह जाते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा डार्क टाइप का था है ना, बट फिर क्या था कुछ उतने व्यूज नहीं मिलते, और भाई मैं मान के चलो एक दुकानदार हूँ, मैं अपनी दुकान में वही सौदा रखूंगा भाई, वही सामान रखूंगा जो सेल होगा, जो मेरी दुकान में रखे रखे रह जाएगा भाई है ना, मैं उसको क्यों ही बेचूंगा, तो लोग जो देखते नहीं भाई मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे आप वीडियो डालोगे ना यूट्यूब पे, आपकी ऐसी ऑडियंस आ जाएगी, आपको ज्यादा नॉलेज है, हालांकि मैं तो वही शुरुआती दौर है मेरा, तो नहीं मुझे तो मतलब इतनी समझ आ गई है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है, अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो चलेगी कि नहीं चलेगी, कितनी सारी स्क्रिप्ट मेरे पास ऐसी है जो अलग टाइप की है, जो लिखी हुई रखी है ना, पर मैं वो नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे पता है फिर ये वीडियो पिट जाएगी। हक्कू भाई, कम से कम 5 साल पहले की बात है, हम आपसे हूं मुलाकात करी, हमें मार्केट में मिले आप, हमने बाजार में ना, तो हाँ पुराने मिले हैं आपसे, हम जब आपके बाल थोड़े से ऐसे है, आपने मतलब अब माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, कैसे कहाँ काम करवाया आपने हमें? शुक्र अल्लाह को मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और फिर भी शुक्र अल्लाह को इतना ज्यादा परफेक्ट मैच रहो, अच्छा बैठो मेरे, जब भी मैं उनके पे गए हो जैसे विजिट करूँ मैं बाद में कि भाई मेरे रिजल्ट कैसे हो, तो बताओ भाई 13 रिजल्ट काई को बिना है माशाल्लाह भाई, हालांकि यहाँ कराने से पहले मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से नॉर्मल 10 लोगों के बीच में एक बंदा ऐसा मिल जाएगा जहाँ बाल से रिलेटेड दिक्कत है ना, तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहो तो मैं उनको प्रचार वचार ना करो ना ही मैं उनको, आप मुझसे उनको पता पूछ सको मैं आप बता दूंगा, और मेरे लगभग उन्होंने 50,000 में 1 साल की दवाई और पूरा ट्रीटमेंट करके दियो हो, हालांकि मैंने आप टोटली 1 लाख तक रुपए उठा दिए, पर बहुत अच्छा रिजल्ट है, एकदम नॉर्मल बाल, चाहे मैं कितना ही कटवाऊं टटली करवाऊं चाहे जो भी मर्जी करवाऊं है ना, कैसे रख सकूं हूं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आयो है, और मैं यह बात बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं अल्लाह को, क्योंकि मेरे काम दिखाओ दिखाना और मेरी कोशिश रहे मैं अच्छा दिखूं। दूसरी बात ये, बहुत से लोगों की ये गलतफहमी है कि ट्रांसप्लांट कराना हराम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं, और कोई किसी प्रकार का इस्लाम में ये हराम नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई आपसे हम, यार आपकी शादी हो गई थी पहले? हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो अब क्या ख्याल है आपकी शादी के बारे में? असल में मेरी शादी हुई थी 2011 में, 2016 में मेरा और मतलब मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया, 2018 में मेरा डिवोर्स हो गया, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया, और फिर मैं यूट्यूब पे इतना ज्यादा मगन हुआ मुझे लगता है मेरी शादी हो गई भाई यूट्यूब से। तो कोई प्लान नहीं अभी है? तो कोई प्लान ना। तो दोस्तों ये हमने भाई से कुछ बात की है, तो जो बात भाई ने बताई है, तो एज ए आप फॉलोवर हो या ऑडियंस हो हक्कू भाई की, तो उन बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि भाई मैन जो फैन फॉलोइंग है वो इस चीज पे होती है कि उसकी कॉपी करते हैं लोग, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भाई की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप उनके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।